हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आफ्टरनून तो बाहर कहाँ से दोपहर होगी। आज बहुत लेट ब्लॉग बना रही हूँ मैं, मतलब 12 बज रहे हैं अभी दिन के, और अब जाके ब्लॉग बना रही हूँ। अब जाके टाइम मिला है मेरे को ब्लॉग बनाने का। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं देवत माता के। चलो तो गाइस बने रही है ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम हमारे कैंप पे आ चुके हैं अभी, और ये जो मेरे पास रेलियस के अंदर मकड़ी और गीला है जिसका डिब्बा है, ये इधर हमारे कैंप भी है। हमारे इधर तो पानी बन रही है, उसका काम चल रहा है। मर भी तो खाए क्यों खाए बोलो पता। हाँ चीज ही कमाई बड़ी चीज बार खाए जो तुम लियो जन मिठाई उड़ो। तो गाइस दीवान से पापा भी अगरबत्ती लेने गए हैं। तो गाइस यहाँ से ले रहे हम लोग अगरबत्ती, और दीवान्स के दादाजी आए थे अभी बाईपास से मिले थे, वहाँ का ब्लॉक नहीं बना पाए हम। और दीवान्स को 500 रुपये दे के गए हैं कपड़े लेने के लिए। और ये रविंद्र स्कूल है इधर। हम रोड पर आदमी वाला, और इसमें लाए हैं मिठाई माता जी के लिए। और ये इधर ये रविंद्र स्कूल है। और अब हम लोग जा रहे हैं माता जी के, और इधर देखो सीन है। ये 4 नवदे हैं, और इसके जस्ट पास में ही है नदी के किनारे पे है देवत माता। तो हम बाईपास पे रुके थे, मिठाई उठाई भी लेके आए थे, तो वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाए। हाँ तो फाइनली पहुंचने वाले हैं हमारे घर से, मतलब कितनी किलो 2-5 किलोमीटर है ना। हाँ 3 किलोमीटर ही है, और ये बनास रिवर के पास में ही देखो। और हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं अब की बार माता जी के। पहले तो आते थे 10-15 दिन में, पर अब तो बहुत दिनों बाद आए हैं, 3-4 महीना हो गया थे। रविंद्र की बसों से गाइड ठंडा क्यों खड़ी खड़ी हो। देखो भेड़ भेड़ चल रही है इधर। तो गाय से देवत माता चढ़ ना करे देख माता जी। जे जे डोल लगा बेटा, पकड़ लो बंद कर दो, देन दबा दीजिए खोल गेट। ओह गुड 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 गेट ऊपर खोल ना,
माँ भवानी का मंदिर, ये पास में श्री देवनारायण जी का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर। हाय दिवांश, हाय आया नहीं अब जी आज जी जी का शंकर भगवान का मंदिर, और हम पहुंच गए श्री देवत माता। देखिए कितना सुंदर अद्भुत नजारा। देखिए कितना सुंदर कारीगरी, और अब कर लेते हैं श्री देव माता के दर्शन, और आप भी कर लीजिए। नहीं गाड़ी में तो मिठाई जो अगर बता लगा दो मठड़ी जो माचिस को ना नहीं उठी माचिस तो देखो गाइस बहुत ही प्यारा मंदिर है माता रानी का यहाँ पे। तो कमेंट करना कौन कौन आया है देवत माता की, और कौन कौन नहीं आया, जो नहीं आया वो आ जाना। बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पे देखो, और ये बिल्कुल बनास के किनारे पे है। इधर देखो बनास है, और यहाँ पे मतलब सभी देवी देवता यहीं पे है। और ये देखो पानी है बनास में भी, बहुत सारा पानी है ये देखो। अभी दिखाऊंगी उधर जाके सभी देवी देवता यहाँ पे। तो गाइस सभी लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, और ये लड़की देखो किसी भाग रही है। चलो आगे आगे लाग जाओ। और गाइस दीवांश को इनका बहुत ज्यादा डर लग रहा है। खायू अब खाया दीवांश, खाया हूँ खाया, खाओ लो बारे में चले। देखो कैसे देख रही है, शेर का डर लग रहा है इसको, भाग रही इसके पापा के पीछे पीछे। तो गाइस आप बनी रही व्लॉग के साथ, हम लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, दिखाते हैं आपको यहाँ का और भी ज्यादा सीन। इधर जस्ट पीछे इधर सगासी महाराज है, और इधर ही नदी है, पानी पानी, और अभी नदी में तिलक कर रहे हैं अभी। हमार भी काटो लगाया। तो गाइस हम लोग दर्शन वर्शन करके वापस जा रहे हैं, तो अभी तो घर पे नहीं जा रहे क्योंकि अभी तो यहाँ का बाकी सीन दिखाएंगे आपको। बहुत ही प्यारी लोकेशन यहाँ पे, बहुत ही प्यारा प्यारा। चलो दीवान चला ला जा रही, अभी हम जा रहे हैं बजरंगबली के मंदिर में। तो वो बालाजी का मंदिर है, इधर देव जी का है, उधर रामदेव जी का है, इधर महात्मा जी की वो बनी हुई है प्रतिमा, वो ये छान पुलिया। देखो नदी में पानी वानी है भी। उनचे श्री शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पे लोग सो रहे हैं भी, यहाँ पे देखो सो रहे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुकून है यहाँ पे। तो आप भी कर लो दर्शन बजरंग बली के, तो कितने प्यारे लग रहे हैं अभी। नहीं
ये देखो क्या कर रहा है, और यहाँ का सीन देखो गाइस कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सीन है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। ये छान पुलिया है और इधर नीचे बनास नदी, इधर शंकर भगवान का मंदिर है, ईंटों के बट्टे हैं, कौन नाश तो पानी कर रहा, देख ला आदमी, जूम कर बताओ देख, लड़ा चरा पड़ा जी, हाँ ये सामो एनी कट चल चल दीवांस ये पहला दादा पढ़ दे दीवांस दीवांस आ जाओ दौड़ के, अरे रे 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 लल्ला टाटा कर सो रखे हैं आदमी, और ये आश्रम बाहर का नजारा, ऊंचो कर लो तो फाइनली ये लोग पहुंच गए देवना। तो गाइस हम लोग वहाँ पे जाके आए श्री शंकर भगवान की, वहाँ का ब्लॉक नहीं बना पाए, तो ये देखो, और ये देव जी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ पे देखो। हम तो 8-10 दिन में आते रहते थे पहले, तो इस बार बहुत दिनों बाद आए। ये देखो पानी, ये है बनास रिवर, और ये मेरा दीवानचा देखो क्या कर रहा है, ये गिर जाएगा भी यहाँ से, इधर टटा कर ले, हाई कर दे, राधे राधे करते दे दीवांश, राधे राधे कर दे बेटा, राधे राधे कर दे दीवांश, राधे राधे, अब बोल राधे राधे, बोल ना बोल, चल में चले चल, राधे राधे ना बोल रहा कर दे, वो बोलो को ना वो बोल दो राधे राधे, हाँ राधे। और इधर देखो ईटों के बट्टे, यहाँ जैसे दीवान धुआं निकल रहा है ना यहाँ पे। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग के साथ, में थोड़ी बहुत रील्स बना लेती हूँ। ये चांद पुलिया और यहाँ की पूरी लोकेशन बहुत ही प्यारी है। देखो ये कैसे इनको भगा रही है, कुत्तों को यहाँ से भगा रही है, ले इधर आ जा, आ जा ना, इसके पापा वहाँ पे गए हैं, तो ये भी देख रही है कि कहाँ पे गए, और कुत्तों को भगा रही है यहाँ से, हाँ जी बेटा आ जाओ। तो ये देखो महाराज का मंदिर, लेकिन अभी क्या है कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ज्यादा ऊंचा है दीवान। तो गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं अभी, और दीवान देखो मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है, ओए पापा आ जाओ, चलो आनी उड़ी नहीं, गरब गरब बेटा नहीं, दादा मैं जा रहा, चल ठीक था ना। तो गाइस यहाँ पे दीवान पानी पिया था अभी, और अब पानी पी के अपने पापा के पास ले गए वहाँ पे, देखो भाग के गाड़ी पे बैठने, और अब वो इधर आ रहे हैं, अब हम बैठेंगे, तो थोड़ी देर पैदल चलते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ की थोड़ी बहुत और लोकेशन जो रह गई है बाकी। यहाँ पे रविंद्र की बसें खड़ी होती है, क्योंकि उनकी वहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर करते थे, यहाँ पे बहुत सारी जगह, यहाँ पे देखो बगीचा भी उधर, और उसके क्या बोलते हैं उसको, आंवले के बहुत सारे पेड़ यहाँ पे, और यहाँ पे जो बाबा जी हैं उन्होंने समाधि ले रखी है, उनका भी है समाधि स्थल, और ये वट वृक्ष का पेड़ है यहाँ पे। Okay.
और ये टोड़ा जा रहा है ये रोड, वो आ जाती है गौशाला है उधर वहाँ पे, और ये वापस नौदेवी विद्यालय आ गया है और हम घर पर जा रहे हैं। तो गाइस बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और दीवान पी रहा है जूस, इसके लिए जूस लाए, खाए को लाए जी आम को, आम का पिज़्ज़ा 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 ये पिज़्ज़ा को नहीं तो दीवान से मना पाओ मत आए मम्मी को ना बेटा से मम्मी को ना। तो गाइस बने रही है ब्लॉग के साथ। तो गाइस दीवान दीवान के दादाजी आए हैं और देखो दीवान के लिए इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं और मिठाइयाँ भी लेके आए हैं, और अभी अपने दादाजी के साथ ऊपर खेल रहा है और मैं बनाऊंगी खाना। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, इनको रख देती हूँ मैं अंदर। तो गाइस अभी मैं अपनी जटानी जी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि उनकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वो क्या है उनको बुखार आ गया था और टोंग दिखाने गए थे उनको भी, तो उनसे मिल के आते हैं देख के सी उनकी तबीयत अभी। तो आप बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी बना रही हूँ मैं खाना और देखो दीवांश मेरे पास आ गया है, मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है, खाना नहीं बनाने दे रहा है और सोने की जिद कर रहा है। तो अब मैं खाना बना कर फ्री होने वाली हूँ और अब इसको सुलाऊंगी फिर खाएंगे खाना वाना। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।